सुबह से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर से सोकर जागना हमारे नहीं चलेगा। तुम्हारे घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए? बहू कुछ जवाब दिए बगैर ही चली गई, कुछ बोली भी नहीं। क्या संस्कार दिए कि माँ बाप ने? अब डायरी में लिखेगी हमें चाय, नाश्ता और दवाई किस टाइम देनी है। वेरी गुड, लिखो। नहीं बाबूजी। नहीं तो फिर ये बैग, ये डायरी किस लिए? बताते हूँ बाबूजी, जरा बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ जाओ। इनोवा गाड़ी 16 लाख, स्मार्ट टीवी 52 हजार, फ्रिज 15 हजार, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 20 हजार, सोफा सेट प्लस और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1.5 लाख के लगभग, नकदी 15 लाख। बहू ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? ये सब तो मुझे पता है। पापा जी ये वो लिस्ट है जो आप लोगों ने शादी से पहले हमसे डिमांड की थी और मेरे पापा ने लिस्ट में लिखी सारी चीजें मेरे साथ भिजवाई हैं और लिस्ट में लिखी सारी चीजें मिला लो, जो कुछ लिस्ट में लिखा है सब कुछ भिजवाया है। लिस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि बहू पढ़ी लिखी, गुणकारी, कामकाजी होनी चाहिए। आपने अपने बेटे की कीमत लगाई है और मेरे पापा ने उसे मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ पापा जी, मेरे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ये बैग भी दिया था। इस बैग में क्या? पापा ने कहा था जब तक तू मेरे आंगन में थी सुरक्षित थी, अब अपनी हिफाजत खुद करनी होगी तुझे। चल बुड्ढे नाच, जब तक मेरी सिगरेट का धुआं चलेगा तब तक तेरी सांसें चलेगी। के पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, के पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झूके 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 रे के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए थी, और मेरी वो लक्ष्मी तुम हो, और अब हमें तुम्हारे माता पिता हैं। तुझे इस रिवाल्वर की और बैग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तू अपने घर में सुरक्षित थी, अब पैसे मेरे यहाँ सुरक्षित रहेगी। तेरी सुरक्षा की मेरी जिम्मेवारी है। तूने हमारी आंखें खोल दी और हम समझ गए कि दहेज लेना
तो पाप है, बुरी बात है। आज से तू हमारी बहू नहीं, बेटी है। और आप सब लोग भी, हम शादी के वक्त संस्कारी बहू की जरूरत नहीं समझते, दहेज की जरूरत समझते हैं। और हम मुंह मांगी चीजें मांगते हैं और बाद में बहू से संस्कारों की बात करते हैं। तो संस्कार लक्ष्मी जैसी बहू और दहेज दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आज से ये दहेज लेना एकदम बंद और संस्कारी बहू ढूंढिए।